हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, थोड़ा सा आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग स्टाइल में। आप लोग बताना कि मेरा वाइड एंगल पूरा कैप्चर कैसे कर रहा है। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। आज मैं जा रहा हूँ एक लॉन्ग ड्राइव में, मतलब ऐसा कुछ दिन है कि यहाँ से मुझे जाना है गोड्डा। और जिनके साथ जा रहे हैं, देखते हैं उनके साथ कैसा रहता है मेरा मतलब सफ़र। अगर हो सकता हो, अगर वो ब्लॉग में आएंगे तो उस तरह का कुछ सीन रहेगा तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर रास्ता का ब्लॉग आप लोग को दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो क्या कर रही, क्या कर रही थी, नाखून काट, सुबह सुबह नाखून काट रही है सो के उठ के। सो चलिए गाइज, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है तो चलो अभी चलते हैं फिलहाल। तो गाइज चलो ब्लॉग पर मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों, अभी हमें आना था कार्मेल स्कूल के पास, तो आगे ही कार्मेल स्कूल है और इधर से कहीं से मतलब जाना है उनको। तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं उनका फ्लेट किधर है, क्योंकि खोजना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे मालूम नहीं। तो कन्फर्म अभी कर लेते हैं कहाँ पर है और डायरेक्ट मिलते हैं उनके रूम में, या तो गाड़ी में ही मिलेंगे डायरेक्ट। चलो अभी ब्लॉग पर मेरे साथ बने रहो। फाइनली पहुँच गए हैं, ये कार्मेल स्कूल बड़ा अभी स्कूल का टाइमिंग है, बट इतना भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रहा है, यहीं से लेफ्ट में आपको जाना है। तो चलिए अभी फ़िलहाल ब्लॉग पर बने रहो हमारे साथ। सो दोस्तों, फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं और जो कार लेके जाने वाले हैं, ये मतलब ब्रेजा का टॉप मॉडल है। सो चलिए अब गाड़ी का थोड़ा सा सफाई करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट निकलना है। तो अभी मेरे साथ ब्लॉग पर बने रहो, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है भाई। इधर से तो कार से जाएंगे, 4-5 घंटा जो भी लगेगा, फिर उधर वापस आना है, मतलब रात हो जाएगा। तो ब्लॉग में फुल आप लोग को ट्रेवल ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो चलो फिर बने रहो ब्लॉग पर। सो गाइज, फाइनली भी हम लोग एम्स हॉस्पिटल जो कि बन रहा है यहाँ पर सामने, रास्ते में मिल रहा है। और दोस्तों, अभी रास्ता मतलब धनबाद से जो देवघर आने वाला रास्ता है, या तो एम्स बोल सकते हैं, तो ये रास्ता काफ़ी कंफर्टेबल बन गया, पहले से काफ़ी सुधार है। तो मतलब ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है आपको देवघर या तो एम्स हॉस्पिटल अगर आना रहेगा तो, काफ़ी कम्फर्टेबल रास्ता बन चुका है, पहले जैसा नहीं है, सारा रास्ता बन गया है। जो भी अभी बाकी है तो भी बन जाएगा कुछ दिनों में। तो ये रहा कुछ एम्स हॉस्पिटल का व्यू बाहर से। और एक भैया जा रहे हैं, थोड़ा सा अभी आ जाइए ब्लॉग में, हाय कीजिए। हाय। तो ये भैया के साथ ही जा रहा है, काफ़ी अच्छा नेचर है इनका, व्यवहार भी काफ़ी अच्छा लगा। मैंने बताया था भैया को कि मैं वीडियो वीडियो बनाता हूँ, तो भैया बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो आपको दिखाएं तो। बहुत अच्छा बना रहा है। चलिए थैंक यू भैया। सो चलिए गाइस, अब चलते हैं डायरेक्ट फुल मस्ती, मतलब अच्छा सफर रहा आज का, जो भी बोल सकते हैं अभी तक तो कम्फर्टेबल पूरा अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं ट्रेन वाला सफर कैसा रहेगा। तो अभी ब्लॉग पर हमारे साथ बने रहो। तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं देवघर, यानी कि यहीं से अभी हम हमको छोड़ के भैया को जाना पड़ रहा। तो फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं बैग। फाइनली अभी यहां से मैं ऑटो बैठ चुका और अभी जा रहा हूं जसीडीह, क्योंकि 170-180 किलोमीटर फोर व्हीलर ड्राइव करके आ चुका है भैया अभी हमको, जो कि छोड़ दिए हैं। तो यहाँ से मैं जसीडीह जाऊँगा, वहाँ से धनबाद यूनिवर्सिटी बोल के ट्रेन है, वो 1:30 बजे है। तो अभी फिलहाल 1:10 हो रहा है, तो ज़्यादा टाइमिंग है नहीं, चलिए डायरेक्ट स्टेशन पहुँचते हैं, फिर ब्लॉक को करेंगे कंटिन्यू। तो गाइस फाइनली अभी ऑटो से आ चुके हैं जसीडीह जंक्शन, यहाँ से धनबाद के लिए टिकट करेंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग को दिखाते हैं व्यू, ये कुछ व्यू रहा है जसीडीह जंक्शन का। तो यहीं पर आने वाला धनबाद इंटर सिटी, तो चलिए फटाफट टिकट कटवाते हैं, उसके बाद ट्रेन में मिलते हैं। तो हमारे साथ ब्लॉक पर बने रहो। पहले भी टिकट काउंटर के पास आए, बट देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पर 1:30 बजे गाड़ी है इंटर सिटी। तो एक भाई बताया कि टिकट मिल जाएगा, देखते टिकट मिलता है कि नहीं, और कोई इस तरह का हेल्प भी नहीं करना चाह रहे कि किसी को टिकट दे के मतलब टिकट मिल जाएगा एक्स्ट्रा, बोला भाई सब जल्दीबाजी में ही रहता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, अगर मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में ट्रेन पकड़ लेंगे ऐसे ही भाई। तो गाइस फाइनली अभी टिकट जो कि काट चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था भाई, काउंटर थे 30-30 काउंटर है, बस उसमें से एक ही काउंटर में टिकट मिल रहा था। सो चलिए एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, और ये देखते भी कुछ इस तरह का, अभी तक तो आए नहीं है धनबाद इंटरसिटी, ये है जसीडीह जंक्शन। सो देखते हैं कब तक आ रहा है, तो डायरेक्ट अब मिलते हैं ट्रेन पर, तो हमारे साथ ब्लॉक पर बने रहो। तो गाइस फाइनली अभी गाड़ी तो खुल चुकी है, बट कहीं पर अभी सीट मिला नहीं, क्योंकि लोकल का आप लोग तो जानते ही होंगे। अभी देखो गाड़ी का सीन कुछ इस तरह का है, तो चलिए देखते हैं कितना लेट में पहुंचते हैं।
फाइनली अभी नेक्स्ट जो कि स्टॉपेज आ चुका है जंक्शन विद्यासागर, तो यहाँ पर अच्छा अभी कुछ उतारना है, तो चलिए फटाफट उतारते हैं लोग। चला जा बाबू, जा बच्चा देख सकते हो भाई, बोरा आर्मी में हम जाएंगे अभी और आर्मी का ड्रेस पहन कर यार आ जाओ। चलो उतार पाएगा, उतारो अपना बहन को। चलो ठीक है। हेलो भाई, इधर देखो बाइक कर दो, आर्मी बनेगा ना, आर्मी का ड्रेस पहनाओ। सो चलेगा अभी चलते हैं, इसके बाद अभी और दो तीन स्टेशन है, उसके बाद धनबाद पहुँचेंगे, मतलब 4:30 बज जाएगा। तो अभी फिलहाल ब्लॉग में बने रहो हमारे साथ। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ाकर, जो कि पार हो रहे हैं, वो हमारा रहा नेशनल हाईवे जो उधर से जाता है सुरखंड में, वही रूट होकर कलकत्ता जाता है। तो यहां के बाद हम डायरेक्ट धनबाद हम लोग जाएंगे, तो अभी ब्लॉक पर बने रहो। तो दोस्तों फाइनली अभी धनबाद जंक्शन में उतर चुके हैं और अभी टाइम हो चुका है 4:30। अब देखते हैं किधर है सो जाने का, वो सामने वाले सीढ़ी से ही जाना होगा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ था, देख सकते हैं मतलब 7 बजे सुबह में गए और अभी जा रहे हैं। हेलो, क्या कर रहे हैं यहाँ? एक मिल गए फ्रेश, कैसे पहचाने? हाँ। इधर कहाँ से? कोडरमा। अभी आ चुके हैं स्टेशन से बाहर और काफ़ी देर से हम लोग क्या ले लिया है, ले लिया है, और देख सकते हैं स्टेशन का बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। तो भाई जैसा कुछ दिन हुआ था कि एक फ्रेंड मिल गया था हमारा, वो काफ़ी दिनों से उनसे जान पहचान था, तो काफ़ी देर तक हम लोग वेट के बाद ठीक किए हैं अभी। तो दोस्तों अभी क्या करना है कि अभी ऑटो से फिर हमको जाना पड़ेगा जहाँ पर मेरा बाइक रखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आज परेशानी करना पड़ा। और 7 बजे भाई निकले थे सुबह में और अभी पहुँच रहे हैं, अभी बज चुका है 5, शाम हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अभी क्या करते हैं कि वीडियो कहीं पर अगर एंडिंग कर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।